हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज का हमारा जो टॉपिक्स है सप्लाई चेन मैनेजमेंट के ऊपर है। तो इस वीडियो में मैं आपको पूरे कॉन्सेप्ट के साथ बताने की कोशिश करूँगा कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या होता है हमारे कंपनी के अंदर। ठीक है, तो लेट्स हम स्टार्ट करते हैं इसको समझने कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या होता है। तो सबसे पहले हम इसको एक एग्जांपल से मैं आपको रिलेट कराता हूँ ताकि आप अच्छे से समझ पाएँ कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट को होता क्या है। ठीक है, और तो देखो इसमें होता है कि जैसे कोई कंपनी होती है, ठीक है, और उस कंपनी के अंदर कोई प्रोडक्ट्स बनता है। लेट से मान लो कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और उसमें कोई प्रोडक्ट्स बन रहा है। तो प्रोडक्ट्स क्या होता है, सबसे पहले तो कंपनी के अंदर बनता है, फिर बनने के बाद उसे मार्केट में उतारा जाता है, और फिर मार्केट में उतार करके उसके बाद कस्टमर तक डिलीवर किया जाता है, मतलब कि सेल किया जाता है प्रोडक्ट्स को। तो यह इसमें प्रोडक्ट्स में क्या होता है कि हमारी जो कंपनी प्रोडक्ट्स बनाती है, मतलब कि मैन्युफैक्चर करती है, वहाँ से ले करके और सेलिंग तक की जो बीच का स्टेप चलता है, प्रोसेस चलता है ना, तो इसको मैनेज करने का एक टीम रहता है हमारे कंपनी के अंदर जो कि इन सभी चीज़ को मैनेज करता है कि हमारा प्रोडक्ट कितने टाइम तक मैन्युफैक्चर हो जाना चाहिए, कितने टाइम तक सेलिंग हो जाना चाहिए, कितने पैसे में हमारा प्रोडक्ट सेलिंग होना चाहिए। ये सभी मैनेज करने का एक हमारे कंपनी के अंदर टीम होता है जो कि मैनेज करता है। ठीक है, तो ये जो स्टेप चलता है मैन्युफैक्चर से ले करके आपको सेलिंग तक, तो इन सभी को मैनेज करने का एक टीम होता है। तो इसी को हम बोलते हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट। मतलब कि सप्लाई मतलब क्या कि आइटम को सप्लाई करना, चेन मतलब कि एक चेन बना कि जैसे मान लीजिए आपका प्रोडक्ट पहले मैन्युफैक्चर हुआ, उसके बाद बाइंडिंग होगा, पैकिंग होगा, फिर मार्केट में जाएगा, फिर कस्टमर तक जाएगा, तो ये आपका एक स्टेप बन रहा है कि नहीं। और मैनेजमेंट का मतलब हुआ कि आपका जो प्रोडक्ट है उसको कैसे मैनेज करना है, कहने का मतलब कि उसको देख रेख करना है। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिस्टम। मतलब कि हमारी प्रोडक्ट्स कंपनी के अंदर बना और डेवलप हो करके कस्टमर तक पहुंचाने तक की जितने भी ये सब काम होता है इसको हम बोलते हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट। ठीक है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट के ऊपर मैं आपको स्क्रीन के ऊपर डिफिनीशन दिखाया हूँ, उस डिफिनीशन को आप लिख सकते हैं और अपने एग्जाम्स में लिख सकते हैं इस डिफिनीशन को। ठीक है, फ्रेंड यहाँ पे आप थोड़ा आप ध्यान दीजिए, जो एग्जाम्पल्स में लिया हूँ डायग्राम, इस डायग्राम को मैं समझाने की यहाँ पे कोशिश करूँगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए सप्लाई चेन मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट। जैसे देखो यहाँ पे रॉ मटेरियल हुआ, उसके बाद सेमी फिनिश प्रोडक्ट हुआ, उसके बाद फिनिश प्रोडक्ट हुआ, और उसके बाद कस्टमर हुआ। तो देखो पहले तो मटेरियल रॉ मटेरियल खरीदाया कंपनी के अंदर, उसके बाद प्रोडक्ट को क्या किया, सेमी प्रोडक्ट में बनाया गया रॉ मटेरियल से, और उसके बाद सेमी प्रोडक्ट से उसके बाद फिनिश प्रोडक्ट में बनाया गया, और फिनिश प्रोडक्ट से कस्टमर तक डिलीवर किया गया। तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 यहाँ पे 4 चैन बन गए, मतलब कि 4 स्टेप बन गए। फर्स्ट स्टेप में रॉ मटेरियल, सेकंड में सेमी फिनिश, थर्ड में फिनिशेड प्रोडक्ट, और फिफ्थ 4 में कस्टमर। ठीक है, तो ये यह इसका जो कॉन्सेप्ट है यही है बेसिकली सप्लाई चेन मैनेजमेंट का, कि हम किसी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर से लेकर के और सेलिंग तक कस्टमर तक डिलीवर करने की जो प्रोसेस होता है और इसको जो मैनेज करने का काम होता है इसी को हम बोलते हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट। ठीक है, और सप्लाई चेन मैनेजमेंट के ऊपर आप यहाँ से मैं 1 2 3 पॉइंट लिखा हूँ, यहाँ से भी आप देख करके आप लिख सकते हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट के बारे में कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट होता क्या है और इसका हम थ्योरी। आई होप आपको ये बातें मैं जो बता रहा हूँ समझ में आ गई होगी। अगर नहीं समझ में आ रही है तो एक बार वीडियो को रोक करके देख लें ताकि आपको अच्छे से प्रॉपर समझ में आ जाए, क्योंकि यह कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये एग्ज़ाम्स में आपको आ सकते हैं लिखने के लिए थ्योरी, तो आप समझ लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।